हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। आज है शनिवार, तो मैं कल नहीं आई थी मायके से, आज शनिवार को ही आई हूँ फ्रेंड्स। तो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, मतलब पूरे दिन भर ही हो गया बारिश में। तो मैं आज ही आई हूँ फ्रेंड्स, बारिश नहीं पड़ी थी सुबह से, दोपहर में थोड़ी बहुत धूप भी निकल गई थी, शाम को आके मौसम ख़राब हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी आई। और देखिए मेरे पूरा फैला रहा किस तरीके से डला हुआ है, रूम पूरा रूम बेकार डला हुआ है। वैसे मम्मी जी सही कर देती हैं, मम्मी जी की तबीयत सही नहीं थी तो मम्मी जी ने नहीं हो पाए उनसे। और देखिए कपड़े वगैरह भी उस दिन में सुखा के गई थी, यहीं परांठे में सुखा के गई थी, वो सारे कपड़े फोल्ड करने हैं फ्रेंड्स। और कुछ कपड़े हैं वो भी सूख रहे हैं, देखिए आप लोग देख सकते हो। चलिए फिर मैं अपना रूटीन पर आ जाती हूँ, रूम वगैरह और अपना परांठा सब सही करती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स। ये वही गद्दा है जो मैंने धोया था, आपको ब्लॉग में पहले बताया था। तो देखिए ये भी अच्छे से अभी सूखा नहीं है, धूप तो निकल नहीं रही है, बारिश का मौसम है, तो वो भी गद्दा मैं फोल्ड करके रख दूँगी, किसी दिन धूप अच्छे से निकलेगी जब सुखा लूँगी। देखिए सूर्यांश साहब से कुछ बोलेगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आपसे 2 दिन बाद मिला हूँ। अगर आपको हमारी छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगता है तो उसको कमेंट करिए कैसा लगता है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। फ्रेंड्स वीडियो शूट हो रही थी तो सूर्यांश आता है तो बोलता है मम्मा मैं कुछ बोल दूं, तो फिर मैंने बोला हाँ बोल दो, कुछ गलत मत बोलना। तो बोले नहीं ब्लॉग के बारे में ही बोलूँगा, तो फिर बोलो। तो वो बोलने की कोशिश कर रहा था और जिस बच्चा है अभी जैसा उस पर आया वो वैसा बोल देता है। तो बोला था कि मैं आप बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपकी एडिटिंग वगैरह कर दिया करूंगा। तो मैंने कि ठीक है, अभी तो मेरी कोई हेल्प नहीं कराता है ससुराल में। तो सूर्यांश ने इतना कुछ बोला, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई फ्रेंड्स। मेरा भाई है वो मेरे को समझाता है यूट्यूब के बारे में, मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, तो वो मेरे को हेल्प करता है, वो मेरे को हर चीज़ एक एक बात बताता है, ये ऐसे है वैसे है। तो सूर्यांश ने इतना कुछ बोला, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी हुई। देखिए मेरा बेड भी अच्छे से साफ़ हो चुका है और तकिया भी मैं रख दूंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैं कुछ भी नहीं जानती थी यूट्यूब के बारे में, मेरे भाई ने ही मेरा चैनल बनाया था, उसने ही सारा काम मेरे को सिखाया है। बहुत टाइम लगा मुझे पर मैं सारा काम सीख गई। अब मैं खुद ही एडिटिंग करती हूँ, जो नहीं आता है उससे पूछ लेती हूँ। अब देखिए कुछ फोल्ड कपड़े करने थे मुझे, तो वो मैं बेड पर रख दूँगी फ्रेंड्स। तो मैं आ जाऊँगी बाहर सोफे सही करने, सोफे पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, और जो सूखे सूखे कपड़े हैं वो भी उतार लूँगी रस्सी पे से। अभी भी फ्रेंड्स बारिश का मौसम हो रहा है बाहर, सारे गीले कपड़े इधर रस्सी पे डालती हूँ, 2-3 दिन में सूख जाते हैं। अब क्या करूँ, कहाँ डालूँ फ्रेंड्स? और जो धूप में कपड़े सूखते हैं वो अंदर नहीं सूखते, स्मेल सी आ जाती है। चलिए मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी फ्रेंड्स। देखिए कितने सारे कपड़े हो गए थे उस दिन, मैं घर गई थी तो सारे कपड़े फोल्ड करने के थे, वो फोल्ड नहीं करे थे, थोड़े बहुत कर गई थी जो थे वो रख गई थी ऐसी, तो वो सब कपड़े ले लूँगी। और जो सूखे हुए जो धोखे गई थी वो भी सूख गए थे, वो भी ले लूँगी। बेडशीट वगैरह सब धोई थी ना, तो वो सब मैं फोल्ड कर करके रख लूँगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो रेड पर्दा है मेरा पीछे वाला, वो भी बच्चों ने तोड़ दिया था, तो वो भी मैंने अभी अभी आँखें लगाया है। मैं नहीं हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, सूर्यांश या फिर बेदू ने तोड़ दिया था, पता नहीं दोनों में से किसने तोड़ा है, कोई बता नहीं रहा है। तो देखिए बातों बातों में मैं सारे कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी फ्रेंड्स। सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे, अब चलती हूँ किचन में, देखिए सब्जी में क्या बनाया मम्मी ने। ये बेसन है महाराष्ट्री बेसन, किसी दिन आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो आटा गूंद लिया था मैंने, अब मैं बना लूँगी रोटियाँ, सभी को जल्दी जल्दी बनाते देते जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, दोनों बच्चे नीचे हैं तो उन्हें नीचे दे के आना पड़ेगा, वो टीवी देख रहे हैं दोनों बच्चे। फ्रेंड्स सभी लोग घर पे जल्दी आ गए थे आज, पापा भी जल्दी आ गए और ये भी जल्दी आ गए हैं। वैसे रात को लेट ही आते हैं पापा को, 11, 11:30, कभी 10 बजे भी आ जाते हैं। तो मैं सभी को जल्दी जल्दी खाना लगा दूँगी, पहले इनको दे दूँगी फिर पापा को भी खाना लगा दूँगी, तो मम्मी लेने आ जाती हैं। और बच्चों को भी मैंने लगा के नीचे दे दिया है, रूम में नीचे टीवी देख रहे हैं। और देखिए सूर्यांश कुछ लेने आता है किचन में,
तो वो आपको अपना बर्थडे गिफ्ट दिखा रहा है शैतान, ये इसके बर्थडे पर आया था तो वो आपको दिखा रहा है। फिर बच्चे सो जाते हैं फ्रेंड्स, मैंने भी खाना खा लिया था, तो अब मेरा लास्ट काम रह गया 12 बजे रात के, तो फिर मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा लूँगी क्योंकि कल हरियाली तीज है फ्रेंड्स, तो बहू बेटियों को हरियाली तीज पर मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं भी अच्छे से मेहंदी लगा लूँगी, ज़्यादा दोनों हाथों पर नहीं लगाऊँगी पर शगुन की तो मेहंदी लगा ही लूँगी, एक हाथ पर ही लगाऊँगी फ्रेंड्स। और 12 बज रहे थे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, शाम से ही पड़ना स्टार्ट हो गई, 9 बजे के बाद बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। मेरा ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, जो मैंने शूट करा वो मैंने आपको शाम को दिखाया, तो छोटा सा ही ब्लॉग बनाया। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं अपनी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ फ्रेंड्स। और देखिए मेरे दोनों हाथ में तो मेहंदी नहीं लगाई है, मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगाई है, तो वो भी सिंपल तरीके से लगाई है, शगुन तो हो ही गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।